एटा के बिलाक अवागढ़ के गांव सलेमपुर गादुरी में गांव के लोग गांव से निकलने के लिए परेशान हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि पिछले प्रधान ने खरंजे के पैसे निकाल लिए और खरंजा पर अभी भी पानी भरा हुआ है। लोगों ने इसकी शिकायत मौजूदा प्रधान प्रेम सिंह को दी तो उन्होंने कहा कि पिछले प्रधान ने खरंजा बनवाया था और बाकी पैसा वो खा गए थे, जिससे गाँव में रहने वाले गरीब लोग गांव से निकलने के लिए परेशान हो रहे हैं। वो यही कहना है मतलब कि जैसे ऑडिट करवे आई, ठीक है, उन्हें यहाँ खरंजा इंटरलॉक ओके बताई, ठीक है, ओके बताई। वीडियो साहब ने मुझे पूछा, मैंने ऐसा स्थिति जैसी थी, कीचड़ है, मैं वो फ्रेम बना हुआ है उसका इंटरलॉक ना, ठीक है, जाते मैं संतुष्ट रह जाऊँगा, बाकी बात काम करा दूँगा। तो वीडियो साहब ने क्या कहा आपसे? उन्हें जो कि हम जाँच के लिए भेज रहे हैं। गाँव में नालियों में खरंजों में पानी भरा हुआ है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? पानी का निकास होना चाहिए, कहीं हो सरकारी उसमें निकासी होना चाहिए जो जगह है। आप यहाँ के निकलते हो तो आपको कितनी दिक्कत होती होगी? इतनी दिक्कत होती है कि लैट्रिन के टैंक वहाँ की अभी पानी आ रहा है, इसमें सरकारी नल लगा हुआ है उसका भी पानी आ रहा है, घरेलू और नालियाँ हैं उनका भी पानी आ रहा है, और पानी में हम घोटून पानियों में है को चलते हैं, आस पास के जो प्लॉट पड़े हैं उनमें उन पर है के निकलते हैं तो वो लोग गाली वत देते हैं कि यहाँ हो के ट्रैक्टर चला रहे हो, कि यहाँ हो के गाड़ी चला रहे हो, कि मोटरसाइकिल निकाल रहे हो, तो हमको बहुत बड़ी परेशानी होती है। प्रधान से 10-5 दिन हो गए तब बोला था, तो प्रधान जी ने आपसे क्या कहा? ये कहा था कि ये जो है पास हो गया है खरंजा, पुरानी प्रधान ने पास करा दिया इंटरलॉक, उसका कुछ ऑर्डर मिल जाएगा तो मैं करा दूंगा। जो अभी नई प्रधान जी है उनने बोला है कि पुराने प्रधान जी ने इंटरलॉक कागजों में दिखाई है, कागजों में दिखा दिया है, पास कर दिया वीडियो ने, और उन्होंने क्या इंटरलॉक हो चुकी है यहाँ पे बताना चाहिए? मौके पर नहीं है, आगे देखें। कोई पूर्व प्रधान का नाम क्या है बताना चाहेंगे? पूर्व प्रधान का नाम है लोकेंद्र सिंह, लोकपाल सिंह। आइए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ग्राम गादरी सलेमपुर, इसमें दिखाना चाहता हूँ आपको। देखिए प्रधान ने अभी तक ना ही कोई विकास करवाया है और गाँव की नालियों में देखिए आम जनता कैसे निकल के जाती है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। गाँव की सड़कें देखना चाहेंगे आप, देखो ऐसी ऐसी सड़कें डली हुई हैं जो कि आम जनता निकलने के लिए काफी परेशान है। जिला एटा से वोटर वीर बहादुर।